शिल्पा जी के पास चला जाए भाई। शिल्पा जी की तबीयत नासाज है, पर उन्होंने कहा नहीं, दर्शकों की मदद करने के लिए मैं जुड़ूंगी। शिल्पा जी, तबीयत कैसी है? गुड मॉर्निंग। और आज का प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू फॉर दिस। यहाँ पे मैं कल BTST मैंने IT से में दिया हुआ है। आई विल स्टिक टू दैट। IT से में मुझे लगता है सेटअप बहुत स्ट्रांग है। आप जुलाई सीरीज में भी देखेंगे रोल ओवर्स भी क्वाइट ऑन द हाईएस्ट साइड है। तो यहाँ पे 420 जब तक होल्ड कर है स्टॉक, मुझे लगता है सेटअप बहुत फेवरेबल है फॉर टारगेट्स ऑफ 440 to 445। ओके, तो ये हो गई शिल्पा जी की पिक, ITC। यहाँ पर आपको दांव खेलना है। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आपकी ट्रेड? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है ABV। तो रीजन क्या है? बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 7 दिन एक हाई बना, 7 दिन का करेक्शन है और कल एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ, बस वही तो चाहिए। ABB जो ट्रेड कर रहा है 8636 पर, यहां पर क्लोज हुआ है 8636 पर। स्टॉप लगाना है 8450, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन टारगेट है 9000। एक फ्रेश बाय सिग्नल है, 9000 तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए, सेफ बेट। लेकिन आसपास ही लेना है, दूर नहीं लेना है ABB। बाय सिग्नल, सेफ बेट। ABB गाबा सर को आ रहा है पसंद। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, सीमेंस पे खरीदारी करनी है मेरे ख्याल से। अब ये स्टॉक तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। कल हमने इंटरडे चार्ट पे ब्रेकआउट देखा, वहां पर काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले। अब डेली चार्ट पे आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो सीमेंस में करेंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 7649 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट बड़े हैं, 8250 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं सीमेंस में। तो वहां पर आप खरीदारी करिए। ऑप्शन में आप 8000 वाला कॉल ऑप्शन जुलाई मंथ का वो खरीद सकते हैं। 235 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप 170 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 350 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष बहेती जी, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर जी, अनुज जी, मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी टाटा मोटर्स पे। पिछले 7-8 दिनों की गिरावट कल खत्म होते हुए देखने मिली, और जिस हिसाब से स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर निकला है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। पिछले 3 दिनों के हाई को एक ही कैंडल में इनगल्फ किया है इसने, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 955 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 990 का पहला टारगेट और 1010 का सेकेंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। भाई साहब, टाटा मोटर्स पे दाव लगाइए। कल जाते जाते सारे स्टॉक, कई सारे स्टॉक बड़ी हरकत में थे। पिक्स के तौर पे एक्सपर्ट चुन रहे हैं टाटा मोटर्स, बाय का आइडिया। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल? आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए, नजर जो है वो मेरी IT स्टॉक्स पे है। मुझे लगता है कल जिस तरह से सेकंड हाफ में IT में रैली आई थी और जिस तरह से लॉन्ग बिल्टअप था जुलाई सीरीज का, तो मुझे लगता है IT में यहाँ पे मुंह अच्छा मिलना चाहिए। तो मेरा पिक रहेगा TCS। मुझे लगता है एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट इसमें आया है और एक क्लस्टर था 3850 से लेकर 3880 का, इसके ऊपर ये जाने को तैयार नहीं था और कल एक ही झटके में ये चला गया। तो दैट शोज कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रैली एक्सटेंड होगी। तो जो भी डिप मिले इसमें TCS बाय करे। 3933 का इसका कल का क्लोज है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 3890 का। पर्पजली थोड़ा डीप रख रहा हूँ मैं, बाद में आप ट्रेल कर सकते हो। देखिए, इसका इनिशियल टारगेट होगा 4000 का, लेकिन कल के ब्रेकआउट के बाद पोजिशनली मुझे लगता है 4100 तक का मूव इसमें स्विंग आना चाहिए। तो TCS इज अ बाय। TCS इज अ बाय। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, आशीष जी, वीरू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों का नमस्कार। तो कल आफ्टरनून शो में मैंने MCX करीबन 3800 पे रेकमेंड किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 3900। इसका जो हाई बना वो ऑलमोस्ट 3885 बना। अब मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी मूव के लिए तैयार हुआ है, 20 डेमा पे अच्छा सपोर्ट लिया। अभी स्टॉप लॉस जो है उसको रखेंगे 3815, यहाँ से सीधा टारगेट होगा 4000 का। लक्ष्य के लिए MCX खरीदारी करने का मन। ये सारे हो गए आज के स्पेसिफिक ट्रेड्स। अब चला जाए एक बढ़िया सा पोजिशनल तड़का ऐड करा जाए। आशीष चतुर्मोता साहब जुड़ते हुए। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। भाई, क्या रडार पे आप लोग का सबसे बढ़िया गो टू आइडिया, गो टू स्टॉक कौन सा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, मेरे हिसाब से पावर एक बहुत बड़ा थीम बनेगा और हमें इसमें NTPC काफी पसंद है। पहले NTPC के डेटा के पहले मैं कुछ डेटा पॉइंट्स आपको बताऊं जो एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम जो एक क्वेरी GPT के अंदर में रन करते हैं उसके लिए हमें ऑलमोस्ट 2.9
वॉट एवर एनर्जी कंज्यूम हम कर रहे हैं. गूगल में जो हम सर्च कर रहे हैं उसमें हमारी जो एनर्जी की कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट 0.3 वॉट एवर लग रही है. और इंटरेस्टिंगली आज जितना टोटल पावर कंजम्पशन हम कर रहे हैं उसका 8% AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंज्यूम कर रहा है. और यही नंबर 2028 में 15% जो टोटल पावर कंजम्पशन का है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगेगा. तो आप समझ सकते हैं कि पावर की कितनी जबरदस्त एक डिमांड आने वाली है और पावर कितनी स्पीड से हमें इसकी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा. और इसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर में भी एक बड़ी ग्रोथ करनी पड़ेगी और कोल के अंदर में भी हमें एक अच्छा खासा प्रोडक्शन करना पड़ेगा. और इसको प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका है NTPC जो जो फॉसिल फ्यूल के अंदर में भी काम कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी में ऑलमोस्ट 30 GW की कैपेसिटी एडिशन का काम NTPC क्रिएट करने वाला है. तो मुझे लगता है कि ये कंपनी जिसमें एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है, बुक टू बिल प्राइस टू बुक भी एक बहुत रीजनेबल लेवल पे है और क्योंकि ट्रेजेक्ट्री बहुत स्ट्रांग है, अभी हम ऑलमोस्ट 250 GW पीक पावर डिमांड पर जा चुके हैं और हमें लगता है कि ये जो सप्लाई है कहीं ना कहीं इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो जिसके चलते NTPC जैसी कंपनी में बड़े बेनिफिट्स हमें देखने को नजर आएंगे. और मेरे हिसाब से टेक्निकली एक बहुत बढ़िया बेस स्टॉक में 360 के आसपास बन चुका है और मैं समझता हूँ 450 रुपए तक के स्तर NTPC जैसे स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं. एज अ डिस्क्लोजर, NTPC हमारी पिक है, हमारे पोर्टफोलियो में रही है और इसकी चर्चा कई बार हमने चैनल पे करी भी. पिक से याद आया, आपकी स्क्रीन पे देखो क्या बढ़िया सा लिखा हुआ है, पिक्स कल की 12:27 के सीनवी सिवास का स्पेशल है. आज के टॉप कॉल्स रैप अप कर दूं पहले. शिल्पा जी ने कहा है ITC खरीदने का मन है, रोलओवर्स भी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं. इसी रोलओवर के डेटा को एनालाइज करने के लिए वीरू बैठे हुए हैं, जाऊंगा उनके पास. गाबा सर ने ABB इंडिया पे दाव लगाया 8450 के स्टॉप के साथ, तो पियर सीमेंस पे मानस का दाव है 7649 का स्टॉप है और चाहे तो 8000 का कॉल भी ले सकते हैं. बहती साहब ने टाटा मोटर्स पे खरीदारी का कॉल जनरेट किया, 955 का स्टॉप है. तो सतपुते साहब दिग्गज TCS के साथ जा रहे हैं, खरीदना है 3890 के स्टॉप के साथ. सावन साहब कह रहे हैं MCX 4000 की कर रहा है तैयारी, लेकिन 3815 पे स्टॉप लगा के तेजी करिएगा. और चतुर्मोता साहब का एक प्रेफर्ड फंडामेंटल पिक है, पोजिशनली पसंद आ रहा है, 450 तक जाने की तैयारी NTPC की. दरअसल पावर इज अ स्पेस पसंद आता है और उसका हीरा इस समय लग रहा है ये स्टॉक NTPC. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.